एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज है फादर्स डे। ये बना रही हूँ वीडियो फादर्स डे की मैं, और आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। तो फ्रेंड, मैंने फादर्स डे पे क्या क्या बनाया और कैसे सेलिब्रेट किया, तो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड, यहाँ मैंने 1 किलो दूध लिया है, तो मैं बना रही हूँ रोज़ फालूदा। तो दूध मेरा गर्म हो गया है। यहाँ मैंने 200 ml पानी लिया था, उसमें डाला था 1 किलो दूध। तो मैं बना रही हूँ इस तरह से रोज़ मिक्स। इस पर लिखा होता है कि 200 ml पानी लेना है और 1 किलो दूध में ये पूरा पैकेट डालना होता है। और फ्रेंड, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो दूध मेरा गर्म हो गया है, अब मैं इसको पैकेट को काट लूँगी और मैं इसको डाल दूँगी। तो फ्रेंड, ये हम बनाते हैं। ये बनाना बहुत ईजी होता है, मार्केट में इजीली मिल जाता है, मिक्स आता है। बस मैं दूध लेना है, उसमें डाल देना है इसको 1 किलो दूध में पूरा, और इसे 15-20 मिनट थोड़ा सा खदका लेना है। इससे हमारा फालूदा बनकर तैयार हो जाता है, बहुत टेस्टी सा घर में ही। तो मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है। इसमें बेजिल सीड वगैरह भी डले होते हैं, सबको डला होता है इस तरीके से। देखिए, इसमें पूरा मिक्स होता है हर चीज़। और फ्रेंड, फ्लेवर तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इसको 15 मिनट तक इसके से बॉयल होने दीजिए। ये हमारी खीर बनकर तैयार हो जाएगी, रोज़ फालूदा मिक्स। तो फ्रेंड, देखिए इस तरीके से भी बॉयल हो रही है। मेरे को 15 मिनट हो गए हैं। यहाँ मैं डाल दी हैं कटे हुए बादाम, आप पिस्ता, काजू, सब कुछ डाल सकते हैं इसमें। मैंने डाले हैं बादाम, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो खीर हमारी लगभग बनकर तैयार हो ही गई है, क्योंकि इसे 25 मिनट हो गए हैं। मैं डाल दी इसमें इलायची पाउडर, इसको मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड, ये बहुत टेस्टी है। इसे ठंडी होकर खाइए, बिल्कुल फ्रिज में चिल करके खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड, खीर बनकर तैयार हो गई है। अब मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी। जहाँ मैंने तेल लिया है 1 चम्मच, उसमें डाला है थोड़ा सा हींग। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा 1-2 हरी इलायची, कुछ दालचीनी, 2-3 लौंग, कुछ डाल देंगे खड़े मसाले। अब मैं डाला है जीरा। तो फ्रेंड, पनीर भुर्जी टेस्टी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं डाला है 2 प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉपर में चॉप कर लिया था। इसे हम अच्छे से भून लेंगे प्याज को। प्याज को हमें अच्छे से भूनना है। अब मैं डाला इसमें थोड़ा सा नमक। नमक से क्या ना, प्याज हमारी जल्दी भून जाती है, इसमें अच्छा जल्दी से कलर आ जाता है। प्याज नमक डालने से ये फ़ायदा होता है। अब मैं डाला इसमें 1/4 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon देगी मिर्च पाउडर। इससे हमारा सब्जी में अच्छा कलर आता है। मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी, इससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं और अच्छे से भुन जाते हैं। अब फिर मैं डाला इसमें 1/4 teaspoon गरम मसाला, इससे मैं फ्लेवर सब्जी का अच्छा आता है। अब मैंने 3 टमाटर लिए थे, जिनके मैंने हरी मिर्च और अदरक साथ में पीस लिया था, वो मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से भून लेंगे अब हम। मैं टमाटर को बहुत अच्छे से भूनना होता है पनीर भुर्जी में, इससे अच्छा फ्लेवर आता है मेरी सब्जी का। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी चीनी, इससे क्या होता है ना, मेरी सब्जी का जो फ्लेवर थोड़ा इन्हेंस हो जाता है। सब्जी मीठी नहीं होती, सब्ज़ी हमारी फ्लेवर में बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं डाल रहा था पनीर मसाला। तो फ्रेंड, ये ऑप्शनल है, अगर आप पहले डालिए सब्जी अच्छी बनती, नहीं है तो गर्म मसाले से भी काम चला सकते हैं। मसाला मेरा भुन गया। मैं डाला इसमें मटर, तो ये मैंने फ्रोजन मटर ली है 1/2 कप। ये फ्रोजन होती हैं तो ये सॉफ्ट बॉयल तो होती हैं, तो एकदम से अच्छे से बॉयल हो जाती हैं जल्दी से। तो इस तरीके से मैंने डाल दी है 1/2 कप। अब मैं डाला इसमें पानी। तो पानी को ना अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सब्जी आपको कैसे थिक चाहिए या थोड़ी सी थिन चाहिए, जैसे भी आप खाते हैं वैसे पानी डाल सकते हैं। मैं डाला इसमें दूध 1/2 कप, इससे हमारी सब्ज़ी और टेस्टी बनेगी। अब मैं डाला थोड़ा सा मलाई। तो मैंने घर की मलाई ली है, आप अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, पर मलाई सबके घर में होती है तो आसानी से मिल जाती है, सब्ज़ी भी से बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है ये। अब मैं इसमें एक बॉयल आने दूंगी। हम डालेंगे पनीर। तो फिर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसको मैं अच्छे से ग्रेट कर लिया है पनीर भुर्जी के लिए। अब मैं इसको डाल दूँगी और इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। सब्ज़ी इस टाइम सब्ज़ी आप पतली गाढ़ी से चाहे ऐसी कर सकते हैं, थोड़ा पानी डाल सकते हैं, पतली जाते हैं तो। सब्ज़ी में मेरे बॉयल आ गया है। देखिए, सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है, क्योंकि ये ना थोड़े से रखने के बाद थोड़ी ठीक होती है। तो सब्ज़ी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। तो फ्रेंड, आप ज़रूर सब्ज़ी को ट्राई कीजिए, खीर को ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड, आप मैंने फादर्स डे पर यही बनाया था अपना डिनर, तो ये मेरा डिनर रूटीन है। ये थाली मेरी बनकर तैयार है, खीर, रायता, रोटी, पनीर भुर्जी। तो फ्रेंड, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस कॉम्बो को, बहुत टेस्टी, बहुत ईजी और जल्दी बन जाता है। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।